ये सरकारी की बहुत अच्छी पहल है। मैं मानता हूँ कि ये कानून पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन धामी सरकार का जो ये निर्णय लिया है, धामी सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। UCC सबके लिए एक अच्छी पहल होगी। अगर हम देश की बात करें तो उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है धामी सरकार की UCC लागू करने की। UCC में ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो होना ही चाहिए। साउथ में ये बहुत पहले से है, सिर्फ हमारे यहाँ है, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम है। UCC के अंदर सब चीज, सब लोग अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं और हर जगह जाने में सहूलियत रहती है। ये पता चलता है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। अगर UCC लागू हो जाए तो सब जगह सब लोगों को पता चल जाए कि कौन क्या है, कौन कौन नहीं है। ये हमारे भारत देश का पहला स्टेट है जिसमें हमारे CM धामी जी ने इस कानून को लगाने की सबसे बड़ी पहल करी है, और हमारे देश में महिलाओं को भी एक देश एक कानून एक नियम पे चलेंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम किसी तरह कोई धर्म नहीं रहेगा, और सरकार की ये पहल है, सबसे अच्छी पहल सरकार हमारे धामी जी ने करी है। देखिए जी, जो इस समय उत्तराखंड सरकार UCC पे वाई लूट रही है, ये पूरा जो है देखा जाए तो जनविरोधी है, और हम इसकी जो है घोर निंदा करते हैं। इसमें जो है एक तो रिलेशन वाले को कहा गया है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो जो जब आदमी ने शादी कर दी है अपनी और उसकी पत्नी है तो अब वो लीव में रह रहा है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन क्या, इसमें कहाँ औचित्य होता है, और ये बिल्कुल जो है नाजायज है। ऐसे लीव इन रिलेशन को जो ये रजिस्ट्रेशन करा करके उनको मान्यता दे रहे हैं, बहुत गलत है। उसको कोई नहीं पता कि वो क्या करने जा रही है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो एक तरफ तो वो UCC कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपने देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा, वो कह रहे हैं कि इसमें अनुजाति लोगों को अलग रखा जाएगा। तो क्या सामान्य नागरिक संहिता है ये? जब उनको अगर सामान्य नागरिक संहिता आपको लागू करनी है तो सामान्य नागरिक संहिता लागू कीजिए। आप एक वर्ग को अलग रखा जाएगा, जनजातियों को अलग रखा जाएगा, तो कहाँ की सामान्य नागरिक संहिता है? ये ढोंग है उनका, और सिर्फ दिखावा है। MP के चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए उनको एक सुबूत है फेंकावा, जैसे भ्रमित हो जनता और उनके पक्ष में वोट करें, ये सब सुबूत है। UCC तो मैं समझता हूँ कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत पहले ही लागू होना चाहिए था, लेकिन अब लागू हो रहा है तो अच्छी बात है, और ये खुशी की बात है कि हमारा उत्तराखंड जो है वो देश का करीब करीब पहला राज्य है जो इस के संबंध में कानून बना रहा है, उसको लागू कर रहा है, और इससे समाज के सभी वर्गों के लिए और एक तरह का और सिविल जो रूल्स लागू होंगे। UCC को लागू करने की बात हो रही है, प्रदेश में ड्राफ्ट मिल चुका है, कैबिनेट में आज पेश किया जा रहा है और उसको कल विधानसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद लागू करने की बात है। इसको देखिए, क्या कहना है इसको? देखिए, जिस प्रकार से UCC के नाम पर पूरे देश में कौवा बनाया गया, डर बैठाया गया समाज के अंदर, निश्चित रूप से अगर उन्होंने UCC का ड्राफ्ट तैयार किया है तो उसको पहले समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के सामने पेश करना चाहिए, जिससे कि बुद्धिजीवी वर्ग उसको देख सके और समझ सके उसमें क्या कमियाँ क्या खामियाँ हैं, क्योंकि कानून एक दिन के लिए नहीं बनता, कानून लंबे समय के लिए बनता है। तो निश्चित रूप से अगर इसको पहले पब्लिक किया जाए विधानसभा में लाने से पहले, तो उसमें जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं वो सब सामने आ जाएंगे, जो कमियाँ जो कुरीतियाँ उसमें होंगी वो पहले ख़त्म की जा सकती। सरकार की किस तरह से देखते हैं इस पहल को? देखिए, उत्तराखंड सरकार पहली ऐसी सरकार बनी है पूरे देश में जिन्होंने UCC पर ना केवल वादा किया बल्कि उसको निभाया भी है। UCC लागू हो जाने से वास्तव में जो गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है उसको एक करने का मौका जो है धामी सरकार ने हमारी जनता को दिया है, कि एक देश और एक कानून वास्तव में होना चाहिए। दो लोगों के लिए अलग अलग कानून हो जाए तो फिर कानून का कोई मायने नहीं रहता है। एक देश एक कानून, वास्तव में धामी सरकार ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए बधाई की पात्र है धामी सरकार। देखिए जी, जो इस समय उत्तराखंड सरकार UCC पे वाई लूट रही है, ये पूरा जो है देखा जाए तो जनविरोधी है, और हम इसकी जो है घोर निंदा करते हैं। इसमें जो है एक तो रिलेशन वाले को कहा गया है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो जो जब आदमी ने शादी कर दी है अपनी और उसकी पत्नी है तो अब वो लीव में रह रहा है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन क्या, इसमें कहाँ औचित्य होता है, और ये बिल्कुल जो है नाजायज है। ऐसे लीव इन रिलेशन को जो ये रजिस्ट्रेशन करा करके उनको मान्यता दे रहे हैं, बहुत गलत है। उत्तराखंड सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये एक समान अधिकार, चाहे वो स्त्री के लिए हो चाहे निम्न वर्ग के लिए हो, सब एक छत के नीचे आएंगे और समान
समान दृष्टि से सबको देखा जाएगा। इसके अंतर्गत कोई भेदभाव की आशा नहीं रहेगी। तो इसकी पहल तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो और जिससे स्त्री वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए ये बहुत अच्छी हो। यूसीसी ऐसा है कि होना चाहिए, मेरा अपना वर्तमान अपना मत है कि यूसीसी होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, शादी का समान अधिकार होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने यूसीसी के विषय में अपना पक्ष रख रहे हैं, उनको ध्वनिमत से सभी दलों को और सभी राजनीतिक संगठनों को उसमें अपना मत देना चाहिए और भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी जो ये सिविल कोड है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है और इससे समाज में समरसता आएगी। जो भेदभाव है एक दूसरे के प्रति, और जो कानूनी तौर पे जो है लगता है कुछ लोगों को कि किसी के अधिकार ज़्यादा हैं किसी के कम हैं, तो वो जरूरी है कि यूसीसी से कोई नुकसान नहीं है, किसी संप्रदाय किसी जाति किसी धर्म विशेष को कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारा लोकतंत्र है उसको और मजबूत करने के लिए इस तरह के कानून आने चाहिए और कानूनों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। यूसीसी प्रदेश सरकार लेके आ रही है, ड्राफ्ट मिल गया उनको, आज कैबिनेट में ही पेश करने वाले हैं उसको, कैबिनेट के बाद उसको विधानसभा में पेश करेंगे, उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरा तो यही कहना है कि ये यूसीसी जो है ये इनकी दूषित मानसिकता का परिचायक है। देश में इस तरह का मतलब जो है बिल लाना ये कोई देश हित में नहीं है। इनकी तो मानसिकता बिल्कुल ये है कि किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों का बल्टा धार होना चाहिए, और ये अल्पसंख्यकों के ऊपर अगेंस्ट में होने की वजह से ये यूसीसी ला रहे हैं और हिंदुओं को खुश करने के लिए। इनका एक ही मात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के का हित करो और हिंदुओं के वोट लो, तो इसलिए ये हिंदुओं को खुश करने के लिए मात्र इनका एक बिल है। बाकी इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है, ये इनकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। मैं तो इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ और इसको कंडेम करती हूँ। यूसीसी जो कानून जो सरकार लेके आ रही है बहुत अच्छी पहल है हमारे प्रदेश के लिए, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा ये कार्य किया है, और बहुत जल्द हमारे को नागरिकता है, सेम समान अधिकार है, वो सब करने जा रही है, तो हमें हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये हमारे उत्तराखंड की सरकार की बहुत अच्छी पहल है, मैं तो चाहूँगा कि पूरे देश में जो है यूसीसी की पहल होनी चाहिए और समान अधिकार सभी के लिए। से यूसीसी सरकार लेके आ रही है, कैबिनेट में पास हो गई है, जल्द ही नियम बन जाएगा, किस तरह से यूसीसी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसमें महिलाओं के लिए जो भी सुविधा होगी वो ज़्यादा ज़्यादा मिलेगी, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं देखता हूँ कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा, और हम चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्द लागू हो। यूसीसी जो है इसका मतलब एक आम आदमी को नहीं पता, क्योंकि क्या होता है इस देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो यूसीसी को अपने माध्यम से या अपनी आवाज़ से या अपने स्वार्थ हेतु उसे नहीं उसमें बता देती है, लेकिन यूसीसी का असली मतलब यह है यूनिवर्सल सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। इस देश में इस राज्य में इसमें हर सभी धर्मों के लोग हैं, लेकिन उनके अपने धर्म के अनुसार उनके नियम कायदे कानून हैं, वे उस पर चलते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ऐसा न, जब इस देश में लोकतंत्र लागू है, संविधान की प्रक्रिया लागू है, संविधान लागू है, तो क्यों ना एक ऐसा समान नागरिक कानून बनाया जाए जिससे सभी धर्मों को फायदा हो उसका। जी लागू होना चाहिए, क्योंकि हर एक उसमें एक देश में एक कानून होना चाहिए सबके लिए, और क्या? जो भी है सबके लिए कानून होना चाहिए। सही बात है, और जिसके हाथ में काले हो किसी के हाथ में अलग अलग, पहले अलग अलग कानून होते थे, तो आज मतलब सबके लिए लागू हो रहा है, चाहे जाति कोई उसके लिए हमको स्वागत करना चाहिए उसका।